पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती, ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्रीय राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है, लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए दो संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का, मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।